तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सकेवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि अगर हम सर किसी फुटिंग की या फिर ट्रेंचेस की एक्सकेवेशन करते हैं तो उसमें हमें अकॉर्डिंग टू IS कोड या फिर CPWD की गाइडलाइंस के बेसिस पे स्लोप कितना प्रोवाइड करना होता है। और एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था कि अगर हमारी एक्सकेवेशन की जो डेप्थ है यानी कि जो रिक्वायर्ड लेवल है फाउंडेशन का, अगर उससे हमारी एक्सकेवेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसको फिर ट्रीट कैसे करना है या फिर उसको ठीक कैसे करना है, उसका एक राइट प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा और इसके लिए मैंने ये प्रॉपर स्केच बनाए हुए हैं कि जिससे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के। अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं एक्सकेवेशन जो है एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है और किन्हीं किन्हीं केसेस में क्या होता है कि हमारी जो एक्सकेवेशन होती है यानी कि अब आप इस वाले स्केच पे फोकस करिए, आपको जो रिक्वायर्ड लेवल चाहिए था वो NGL से 2 मीटर के लेवल पे चाहिए था और किसी कारण से एक्सकेवेशन आपकी ये 500 mm या फिर जो भी है 200-300 mm आपसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो येलो वाला पार्ट है इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, इसके लिए IS कोड का क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है आपके किसमें, CPWD स्पेसिफिकेशन में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एक्सकेवेशन फॉर द फाउंडेशन इज डन टू ए डेप्थ ग्रेटर देन दैट सोन इन दी ड्राइंग, यानी कि अगर आपने एक्सकेवेशन ड्राइंग से ज़्यादा कर दी है यानी कि जो ड्राइंग में लेवल दिखाया हुआ है उससे ज़्यादा कर दी है और एज रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर इन चार्ज, द एक्सेस डेप्थ शैल बी मेड गुड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट इज ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर उसको अपनी रिस्क एंड कॉस्ट पे उसको प्रॉपरली ठीक करेगा विद द कॉन्क्रीट ऑफ द मिक्स यूज्ड फॉर लेवलिंग बैड कॉन्क्रीट फॉर फाउंडेशन, यानी कि उसको जो ये वाला एरिया है आपका यानी कि ये जो येलो वाला पार्ट है उसको सेम ग्रेड की PCC से पूरा फिल करना पड़ेगा। तो ये आपका CPWD की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सकेवेशन की स्लोप्स के बारे में कि हमें स्लोप कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ये आपकी तीनों कंडीशंस पे अप्लाई होता है यानी कि फाउंडेशन, ट्रेंचेस और ओवर एरियाज। यानी कि इन द फर्म सॉइल द साइड ऑफ द ट्रेंचेस शैल बी केप्ट वर्टिकल अप टू ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर, यानी कि अगर कोई भी आपकी जैसे ट्रेंचेस हैं, फुटिंग्स हैं, अगर इसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर तक है तो उसकी जो साइड है वो आप वर्टिकल रख सकते हैं। यानी कि अगर मेरी इसकी जो डेप्थ है 2 मीटर की है तो ये वाला जो फेस है आप इसको वर्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने के लिए, अप टू 2 मीटर के लिए। इसके बाद में फॉर ग्रेटर डेप्थ द एक्सकेवेशन प्रोफाइल शैल बी विडेंड बाई अलाउिंग स्टेप्स ऑफ 50 cm ऑन ईदर साइड, यानी कि अगर आपकी डेप्थ जो है जैसे ही 2 मीटर से ज्यादा जाती है तो फिर आपको ये जो 500 mm का जो स्टेप है ये आपको देना पड़ेगा सॉइल की स्टेबिलिटी के लिए कि जल्दी से सॉइल कॉलैप्स ना करें। और ये कब प्रोवाइड करना है, 2 मीटर से जैसे ही आपकी डेप्थ ज्यादा जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 मीटर दिखाया हुआ है तो स्केच में आप समझ सकते हो कि इसमें जो बता रहा है 50 cm ऑन ईदर साइड आफ्टर एवरी 2 मीटर्स फ्रॉम दी बॉटम, यानी कि हर 2 मीटर के इंटरवल पे आपको ये 500 mm का स्लो जो स्टेप है ये प्रोवाइड करना है। एक केस और बता रहा है इसमें, अल्टरनेटिवली द एक्सकेवेशन कैन बी डन सो एज टू गिव स्लोप 1/4, यानी कि इसमें आपको 1/4 का भी स्लोप दे सकते हो। यानी कि अब तीसरे वाले स्केच में जो ये ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हो तो इसमें अगर मेरी डेप्थ 4 मीटर की है तो 1/4 के स्लोप के केसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा और जो भी कैलकुलेट होकर आएगा मेरा 1 मीटर आएगा। तो इस पॉइंट से आपका इस पॉइंट का जो स्लोप है तो वो आपका 1/4 का स्लोप हो जाएगा। अगर ये मेरी जो डेप्थ अगर मैं इसको 8 मीटर कर देता हूँ और फिर मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये वाली जो एज है और इस वाली एज से ये आपका 2 मीटर पे चला जाएगा क्योंकि आपको 1/4 का स्लोप प्रोवाइड करना है। तो ये क्राइटेरिया आपका CPWD में मेंशन है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है।
एक कंडीशन क्या है वो आप इस स्केच में देख सकते हो कि जो भी एक्सकेवेटेड सॉइल है वो इसकी एज से कितनी दूर रखनी है, तो वो भी क्राइटेरिया आपका इसमें मेंशन है। उसके लिए इसका क्या कहना है कि गेटिंग आउट सेल इंक्लूड थ्रोइंग द एक्सकेवेटेड मटेरियल एट ए डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए, और हाफ द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अगर ये जो मेरी डेप्थ है 2 मीटर की है, तो इसके लिए उसने मिनिमम तो 1 मीटर बोला ही है, लेकिन एक क्राइटेरिया बोल रहा है कि इस टोटल डेप्थ का मुझे हाफ करना होगा। अगर मैं 2 मीटर को हाफ कर देता हूं तो ये मेरा चला जाता है 1 मीटर के केसेस में, तो आपको इसकी एज से 1 मीटर दूर ये मिट्टी रखनी होती है। अगर ये मेरी डेप्थ 3 मीटर की है तो उस केसेस में जो मैं यहां पर मिट्टी फेंकूंगा यानी कि इस वाली एज से, तो ये मेरा 1.5 मीटर 1.5 मीटर होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया में अगर देख सकते हैं, अगर ये मेरी 4 मीटर की डेप्थ है तो इसमें इसकी एज से इसको मुझे 2 मीटर की दूर में स्टैक करना होता है। तो ये क्राइटेरिया आपके सीपीडब्ल्यूडी में मेंशन है। तो दोस्तों ये जो क्राइटेरिया थे ये आपके एक नॉर्मल और एक जनरल फुटिंग ट्रेंचेस यानी कि जो छोटे लेवल के काम होते हैं उनके लिए है, यानी कि जिनकी जो फिलिंग है वो आपकी 15 से 20 दिन में या फिर विद इन ए मंथ में आपकी बैक फिलिंग हो जाती है, तो ये क्राइटेरिया उन सब के लिए फॉलो होते हैं। अगर बात करोगे आप मेजर वर्क्स के लिए यानी कि अर्थ वर्क फॉर मेजर वर्क्स यानी कि जैसे कि आपके बेसमेंट हो गए, रिटेनिंग वॉल हो गए, तो इसके लिए ये इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें दिए गए हैं, तो ये आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो इंटरव्यू में ज़्यादातर जैसे पूछे जाते हैं ये छोटे केसेस के लिए, तो वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर किया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी रह रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।